लगे होंगे। मैंने अच्छा काम यही किया ऐसा लग रहा है, ये लगा दिया और ऐसे चला एयरपोर्ट यहाँ पे ही है। अब राइट लेन ले लेते हैं थोड़ा 140 वाला स्पीड में, और अब फाइनली यहाँ से हम लोग निकल गए हैं विजयवाड़ा। 291 किलोमीटर डायरेक्ट है यहाँ से, और 120 का स्पीड लिमिट दिया हुआ है, 120 का मिनिमम है लेफ्ट टू लेन का, राइट टू लेन 140 में लगाता हूँ। वारंगल भी इधर ही जाते हैं, वारंगल आईटी वारंगल गाड़ी पुराना है, धुआं निकल रहा है, धुआं हाँ ज्यादा ताकत चल लग रहा है उसको। 120 देखो नीचे रोड पर लिखा हुआ है 120। कैटल आने का कोई डर नहीं है, रोड अच्छा है, ये चीज कर, लेकिन वही है कि इसमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट लेन में लेना है तो लेन का पहले लाइट दो, 128 नंबर। हाईवे तो लाजवाब है, बहुत अच्छा हाईवे, मजा आ रहा है मुझे तो। तकुड़ा विजयवाड़ा 285, ऐसा हाईवे मिले तो आदमी स्पीड से काम करता है भाई। शॉर्टकट एक्सप्रेस पे रुकना मना है, नहीं कुछ नहीं। सीधा नागपुर को कनेक्ट करता है, जो हाईवे हम लोग को मिला था ना, जो बोले कि कितना सुंदर हाईवे है, वो यही है, यह लिखा हुआ था नागपुर सीधा 400 कुछ किलोमीटर मारते हो। कैसे 400 किलोमीटर में पहुंचा देगा भाई, देखो ना नागपुर सीधा NH 44 ही तो था वो, NH 44 तो जबरदस्त है ही, इसी से तो जाते हैं वहाँ बिहार। और क्या सजाया है ये ना देखो, मस्त सजाया हुआ है एकदम, प्लांटेशन में प्रॉपर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 लेन, 5 × 10 लेन, 10 लेन। मस्त लगता है भाई, ऊंचा नीचे बनाया में हवा लेने के लिए, नहीं टाइम में हवा देने के लिए, हवा वेंटिलेशन के लिए ऊंचा नीचे बनाता है उनको बीच बीच में। रोड पे जो लिख दिया ना 100 120 100 120, वो अच्छा है, लोगों को पता चलेगा 120 में चलो भाई। तेलुगु में लिखा है, तेलुगु में, हिंदी में भी, हिंदी तो इंडिया का में सब जगह चलता ही, हिंदी क्या लिखा है अच्छा। यहाँ पे
कहा मैंने अभी थोड़ा एक नाश्ता वगैरह करने के लिए, बहुत सही है, साफ सफाई चल रहा है होटल का। ये हाईवे है, एनएच काला ही है इस बार। यही बोंदा, यही बोंदा। हाँ। बड़ा बड़ा आइटम एक था, वो क्या था, वो भी बोंदा ही था। यही बोंदा है ना। अच्छा, इसे भी बड़ा बोंदा था। हाँ, लेकिन डोसा था तो डोसा तो नहीं खाना था इसे। इसको भी ट्राई करके देखिए, लिट्टी टाइप का लग रहा है ना। और इसका चटनी बनाती है इस तरह से, और ये कोकोनट का चटनी है। अच्छा, बनाया हुआ है कच्चा टोमेटो का है, पीला वाला जो मेदू बड़ा है वो तो लाजवाब है। सब कुछ बने, ये अपने यहाँ से चाय पियेंगे। और इसके बाद यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, यही हाईवे है अपना NH-65 है। ये जो हाई स्पीड का हाईवे है वो हाईवे हमें छोड़ना पड़ गया, बिकॉज वो हाईवे सीधा चली जाती है नागपुर और उधर बेंगलोर। पता नहीं कौन सा रास्ते से बेंगलोर जाती है। यहाँ एक चीज़ देख रहा हूँ कि जितने भी आइटम भी लगे ना, ओवर प्राइस कुछ भी नहीं है। एक तरह से होता है ना, हाईवे पे या किसी भी इसको आइकॉनिक बना दिया जाता है, उसकी वजह से दाम 100 का 200 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। चाय भी 10 रुपये, सब कुछ MRP के से ज़्यादा नहीं, तो काफ़ी अच्छा है, सही लग रहा है यार। विजयवाड़ा 167 किलोमीटर, NH-65। बहुत देर से वो उसको लग रहा हो कि पास नहीं दे रहा हूँ। पास तो देने का इच्छा था ही, लेकिन आराम से चल रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग विजयवाड़ा के रास्ते में हैं। रात से दिन कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। 165 किलोमीटर बचा है विजयवाड़ा, और ये NH-65 है। 100 के स्पीड से मस्त चल रहे हैं, 60 का लिमिट लिखा हुआ हाईवे पे, लेकिन स्पीड डिटेक्टर ये सब नहीं है। तो एक तरह से माइलेज भी ठीक ही आ रहा, 15.9 का माइलेज मुझे दिख रहा है अभी गाड़ी में, डीजल ऑटोमेटिक, विच इज़ वेरी गुड। टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर है अभी 42 डिग्री, और अंदर का मैंने लोएस्ट सेट कर रखा है 30। ये जो पर्दा है इसके कारण से काफ़ी ठंड, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। अदरवाइज गर्मी बहुत हाई है इधर एज कम्पेयर टू पूर्णिया। अगर देखा जाए तो पूरा देखेंगे चारों तरफ मैंने अभी लगा लिया है, और एकदम कंफर्टेबल लग रहा है। दिन में कंटिन्यू भी ड्राइव करें तो अच्छा लग रहा है। चलिए नहीं करते हैं ये सब। देखिए आपको बस दिखेगा यहाँ का नंबर TSTS, तेलंगाना स्टेट, सब तेलंगाना स्टेट है। चलिए लेन डिपार्चर, अपने लेन में चलते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं देना है। हाँ, फ्रंट व्हीकल है। ज़्यादा है किसी को भी होगा, वो दो गाड़ी को तो देख लिया रुक रुक एकदम लू लगने का चांस है। 42 डिग्री है बाहर भाई, बहुत हालत खराब है। ये देखो यहाँ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये GMA हैदराबाद एक्सप्रेसवे, इंग्लिश में हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे है। ये निकालो भाई टॉल का, कौन सा खाली है, क्रॉस नहीं माना चाहिए। अच्छा ये खाली हुआ है, थर्ड सा निकलूंगा है ना, वो उसी में जाऊंगा थर्ड। चलिए बैलेंस खाली ना हो खत्म, नहीं तो हालत बिगड़ जाता है। बैलेंस तो अभी तो है, चलिए डिटेक्ट करिए। हाँ बहुत देर से डिटेक्ट करता हूँ, सब इतने टाइम में वहाँ से करना शुरू। हाँ वोडाफोन का नेटवर्क ठीक नहीं, गाड़ी चार्ज हो सकती है। सब गाड़ी छाँव ढूंढ रहा है, मुझे छाँव की कोई जरूरत नहीं है। Departure. So guys, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना,
सभी की तबीयत खराब। ऐसे में मैंने अच्छा काम यही किया, ऐसा लग गया ये लगा लिया और ऐसे चला गया, बिंदास थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा वेस्ट करूँगा 10 मिनट, उसके बाद फिर आगे इधर चाहू तक। गाइस फाइनली अब हम लोग आ गए साइट पे, ये आप देख पा रहे हैं कैसा एरिया है। कोई ऐसा गाड़ी नहीं दिखा मुझे जो कि वोमिटिंग आती हो, तो गजब मतलब मुझे भी लगा, तो इसलिए रोक करके चाचा के बाद तो लोगों को वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये स्थिति हो गया है। और ये देखिए पूरा माइनिंग ऐसे में इतना टफ लाइफ है। इधर रेलवे लाइन भी है भाई, ये रेलवे लाइन है, देखो लद्दाख वाली फील आ गई पूरा। मशीन का ड्रिलिंग का दिखना चाहिए, बैक साइड थोड़ा सा हीटेड है, बाकी इट विल वर्क। ये सारे ब्लास्टेड है और ब्लास्टिंग करने के बाद उसके बाद इस तरह से मलबा वो निकालेंगे पूरा। ओके। और ये जो तीन चार ऐसा दिख रहा है ये सब तीन चार स्टेप में जो है, तो वो स्टेप ऐसे ही वर्क हुआ है इसलिए स्टेप बना। एवरी अदर डे ये डाउन होता जाएगा। हाँ 20 मीटर। ठीक है, चल रहा है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ही लगा था, भाई यहाँ पे सुबह है अभी, और सुबह में इतनी गर्मी लग रही है ना, तेलंगाना में अभी मैं हूँ साइड पे और यहाँ पे गाड़ी लगाया है, देखिए दिखाता हूँ, मस्त बगीचा के नीचे 31 डिग्री सुबह सुबह 31 डिग्री, दिन में तो हालत खराब है, तो 47 कुछ आ रहा है, तो हालत बिगड़ गई। फाइनली आ चुके हैं। चलो भाई अब जरा NH-65 पे आ जाओ। क्या लोड किया हुआ है भाई, आम है क्या? चिंथाला पालम से अभी हम लोग चले हैं कोडर में, कल नाइट में रुके थे होटल कोडर में लिए थे। एक ओवरऑल ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे हमारा साइट विजिट और वो सब। उसके बाद फिर मैं अभी वापस हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ और सीधा जाकर के रामोजी स्टूडियो जहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी वहाँ पे जाने का मैंने टारगेट लगाया हुआ है। यहाँ से दिखा रहा है प्रॉपर 2 घंटे 20 मिनट का 158 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, 2.5 घंटे का 441 में ETA दिखा रहा है कि 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो रामोजी का स्टेडियम में देखेंगे जगह, उसके बाद 3-4 और स्पॉट्स हैं हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे, वो भी विजिट करेंगे। आज नाइट कास्ट वही करेंगे, उसके बाद कल यहाँ से चलेंगे आगे। अभी देखिए कोडर सिटी के लिए लेफ्ट जाना है, हैदराबाद के लिए सीधा जाना है। हैदराबाद के आगे जो पुणे जाने के लिए सोलापुर के लिए जो हाईवे आता है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सो है, लोग तो सीधे हैं सब जगह, लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। अब अपन हिंदी भाषी हैं तो अब उनको हिंदी नहीं समझ में आती, यहाँ के लोगों को मेजरली नहीं समझ आती है। इंग्लिश थोड़ा सा
और समझ आती है, लेकिन उतना बेटा वो भी नहीं है, और गांव में कैसे समझ पाएंगे। लेकिन फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, हाथ से जो इशारा होता है, ये सब जगह काम करता है। यही मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। इवन लोगों को थैंक यू भी बोल रहा हूँ तो उसके लिए कुछ इशारा से बताना पड़ेगा, है ना, क्या चाहिए क्या नहीं, 40 का स्पीड यहाँ पे लिमिट, सारी चीज इशारा से। बट ओवरऑल अच्छा लगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, ये चीज है प्रिकॉशन, चूंकि स्टोन माइनिंग का एरिया है तो गर्मी इतनी ज्यादा वहाँ पे होती है और रिफ्लेक्शन आता है। अच्छा ब्रेक मारा अडास, कल इधर ही एक जगह ना होता, कल एक जगह यहाँ पे स्पीड से आ गई पीछे से भाई, चलो जल्दी। ये भी एक ठोक ठाक के जा रहा है, यही है हाईवे पे ना, हुआ एकदम ज़्यादा जल्दीबाजी में। एडास बहुत काम करता है ऐसे भाई, ऐसे ब्रेक मारा। हाँ लेन डिपार्चर, ये मुझे डैशकम बहुत हेल्प कर रहा है इस ड्राइव में ना। डैशकम से काफ़ी कुछ ऐसी होती है जो चीज़ें मिस होने के चांसेस की, आगे गाड़ी है या तो फिर लेन चेंज कर रहा हूँ, ये हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है।